मध्य प्रदेश के खरगोन फॉरेस्ट विभाग की टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन करने गई टीम कोई भी बचाव सामग्री नहीं लेकर गई, जिस वजह से रेस्क्यू के दौरान अचानक कुएं से बाहर आए तेंदुए ने दो लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नवरंगपुरा गाँव में कुएं में एक तेंदुआ गिर गया। ग्रामीण ने देखते ही वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम दोपहर तक तेंदुए निकालने नवरंगपुरा गांव पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर रस्सी खटिया बांध कर कुएं में उतारी गई। जब कुएं से तेंदुओं को बाहर निकाला जा रहा था, इस दौरान किनारे आने से पहले अचानक तेंदुए ने कुएं से बाहर छलांग लगा दी और भीड़ की ओर दौड़ा। एक युवक पर हमला किया, फिर दूसरे पर हमला किया। इतने में भगदड़ मच गई और तेंदुआ भाग गया, जिसमें दो घायलों को खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ना तो तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और ना ही एहतियातन ग्रामीणों को घटनास्थल से दूर रखा। तेंदुओं के हमले में 32 वर्षीय पुंजा पिता प्यार सिंह और 22 वर्षीय प्रेम सिंह पिता तुलसीराम निवासी नवरंगपुरा दोनों को पीठ पर और पैर में तेंदुओं के पंजे से चोट आई है। ये दोनों घायलों को मंडलेश्वर अस्पताल से उपचार के दौरान खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। भगलाई के पास में हमारे कंपार्टमेंट नंबर 46 में जो है कुएं में जो है तेंदुआ गिरने की खबर मिली थी। उसके बाद हमारे टीम ने वहां जाके जो है करीबन 6 साल के तेंदुए का जो है कुएं से बाहर निकाला और उसको वापस जंगल में छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान जो है दो लोग जख्मी हुआ है, उनको जो है मंडलेश्वर में प्राथमिक उपचार के बाद जो है खरगोन के लिए रेफर कर दिया गया। सर, जख्मी कैसे हुए, मतलब कहीं ना कहीं ये उसकी नहीं लापरवाही नहीं, वो तो जब निकलता है तो घबराया हुआ रहता है और जो भी सामने आता है उसको झपट्टा मार देता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।